मूवी द सायरन विच एंड डेथ सोल्जर की शुरुआत में सोल्जर्स के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो जंगल से गुजर रहे होते हैं। उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर डेफ होता है जिससे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। जंगल में काफी आगे आने के बाद वो सब एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। उसी जगह पर एक पानी का तालाब भी होता है जो बहुत खूबसूरत होता है। डेफ सोल्जर को पानी में एक सोने का सिक्का मिलता है। सोल्जर उसे अपने पास रख लेता है। उसी वक्त उसे पानी में मूवमेंट फील होती है। दरअसल इस पानी में एक सायरन विच रहती है। उसी वक्त वो सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है। उसकी पूरी बॉडी पे बहुत कीमती हीरे और जवाहरात लगे हुए थे। वो पानी पे अजीब तरह का डांस करने लग जाती है और साथ गाना भी गाती है। इसकी आवाज इतनी सुरीली होती है सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसकी तरफ पानी में बढ़ने लगते हैं। सब इसको हासिल करना चाहते थे। जैसे जैसे लोग इसकी आवाज सुनते हैं वो मदहोश होते जाते हैं। विच अब जोर से चिल्लाना स्टार्ट हो जाती है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि सबकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। सब सोल्जर्स पागल होने लग जाते हैं। उनका खुद पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। फुल एग्रेसिव हो जाते हैं और एक दूसरे पे हमला करने लग जाते हैं। डेथ सोल्जर एक साइड पे खड़ा होकर सब देख रहा होता है मगर उसको कुछ समझ नहीं आता। फिर उसकी नज़र सायरन विच पे पड़ती है। वो उसे देख के डर जाता है। इसके सब सोल्जर साथी एक दूसरे को मारकर पानी में डूब जाते हैं। फिर विच की नज़र डेथ सोल्जर पर पड़ती है और विच इसको देखकर जोर से चिल्लाती है मगर सोल्जर को कोई आवाज़ नहीं जाती। विच बहुत हैरान होती है कि इसको मेरी आवाज़ से कुछ भी नहीं हुआ। वो सोल्जर डर कर भागने लगते हैं। इसकी आवाज़ सुन के सोल्जर को कुछ नहीं होता। इस बात से विच इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और इसका पीछा करती है। सोल्जर भागते भागते बहुत दूर आ जाता है और थक जाता है और एक जगह रेस्ट करने के लिए एक दरख्त के पास रुकता है। इसको इतनी थकावट होती है कि इसकी आंख लग जाती है। इसी वक्त विच सोल्जर के साथ आकर लेट जाती है मगर सोल्जर को कुछ पता नहीं होता। कुछ देर बाद जब सोल्जर की आंख खुलती है तो वो अपने ऊपर किसी का हाथ फील करता है। वो हाथ सायरन विच का था। वो विच की तरफ देखता है और उसकी बॉडी पे लगी कीमती जवाहरात को देख के लालच में आ जाता है और इनको हासिल करना चाहता है। इसी वक्त विच की आंख खुलती है और वो वहाँ से चली जाती है। सोल्जर इसका हाथ पकड़ता है तो इसके हाथ में कुछ हीरे आ जाते हैं। सोल्जर इसका पीछा करता है और दोनों तालाब के पास पहुँच जाते हैं। सायरन विच तालाब पर पहुँच कर सोल्जर को किस करती है तो जवाहरात जो इसके लिप्स पर लगे थे उसकी वजह से सोल्जर के लिप्स से ब्लड आने लग जाता है मगर वो डेफ सोल्जर लालच में होता है। वो फिर भी विच को किस करता है। सायरन विच सोल्जर की बॉडी के साथ साथ डांस करती है। फिर वो सोल्जर सायरन विच के सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसकी बॉडी से सारे कीमती जवाहरात उतार कर एक कपड़े में डाल देता है। विच की बॉडी से ब्लड निकलता है मगर सोल्जर नहीं रुकता और विच की बॉडी को वहाँ छोड़कर सब कुछ लेके वहाँ से चला जाता है। सायरन विच की बॉडी पानी के तालाब के अंदर चली जाती है और पानी में हर तरफ खून ही खून नजर आने लग जाता है। ये भी खौफनाक नजारा होता है। सोल्जर इतने हैवी जवाहरात और हीरे उठाकर थक जाता है। उसे एक जगह एक नदी नजर आती है। वो पानी पीने के लिए रुकता है तो उसी पानी में सायरन विच का भी ब्लड होता है। जब वो पानी पी लेता है तो उसे अजीब सा कुछ होने लगता है। उसके कान ठीक हो जाते हैं। उसे सब आवाजें आने लग जाती हैं। उसी वक्त सायरन विच पानी से बाहर आती है और अपनी बॉडी की हालत देख के रोती है। उसे समझ आ जाता है सोल्जर उसे प्यार नहीं करता। वो लालच में उसके पीछे आया था। गुस्से में वो विच जोर से चीखती है तो सोल्जर को अब सब सुनाई देता है। वो पागल होने लग जाता है और विच की तरफ बढ़ता है और पानी में डूबकर मर जाता है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि लालच बुरी बला है। अगर सोल्जर लालची ना होता तो जिंदा होता। मूवी आइस एज की पूरी स्टोरी एक फ्रिज पे बेस्ड है। ये फ्रिज एक ऐसा फ्रिज है जहाँ पूरी दुनिया बसी हुई है। इस फ्रिज में टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। हमारी दुनिया के कुछ सेकंड्स वहाँ के घंटों के बराबर हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक लड़के को दिखाते हैं जो कुछ सामान लेकर स्टेयर से गुजर रहा होता है और एक अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और इस सामान में से एक ड्रिंक निकाल के टेबल पर रख देता है। इस लड़के का नाम रॉब होता है। रॉब जिस अपार्टमेंट में एंटर होता है वहाँ सारा सामान बिखरा होता है। उसी अपार्टमेंट में एक लड़की दिखाते हैं जिसका नाम गेल होता है। रॉब और गेल कपल हैं। वो लिव इन में रहते हैं और इस अपार्टमेंट में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। गेल रॉब को कहती है पुराना ओनर अपना फ्रिज यहाँ पर ही छोड़ गया है। रॉब फ्रिज को चेक करने लग जाता है। वो फ्रिज को देख के कहता है ये फ्रिज हमारी न्यू फ्रिज से ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि इसकी मोटर नीचे लगी है। गर्म हवा नहीं फैलेगी।
न्यू फ्रिज में मोटर ऊपर लगी होती है तो गर्म हवा फैल जाती है। गेल रॉब की लाई हुई वाइन खोलती है और रॉब से पूछती है, रॉब वाइन लोगे? रॉब कहता है जरूर, और वो वाइन में आइस क्यूब डालने के लिए फ्रिज को खोलता है तो देखता है सारे फ्रिज में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। वो अपने हाथ से थोड़ी बर्फ फ्रिज से निकालता है और वो आइस क्यूब दोनों ग्लासेस में डाल देता है और गेल वाइन दोनों ग्लासेस में डालती है। दोनों चेयर्स करते हैं और वाइन की सिप लेते हैं। रॉब नोटिस करता है इसने जो आइस क्यूब ग्लास में डाला था इसमें कुछ है। वो आइस क्यूब को ग्लास से निकाल कर टेबल पे रखता है और गौर से देखने लगता है। गेल रॉब से पूछती है कि क्या हुआ तो रॉब गेल को कहता है इसमें गौर से देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो गेल मैग्नीफाइंग ग्लास लाती है और देखती है तो हैरान हो जाती है। उस आइस क्यूब में जानवर था जो दिखने में हाथी जैसा होता है मगर उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं और इसका सर और कान छोटे होते हैं और इसके दांत बहुत नुकीले और बड़े होते हैं। वो दोनों हैरान हो जाते हैं और गेल रॉब को कहती है अगर फ्रिज में और भी ऐसे हुए तो ये दोनों फौरन फ्रिज खोलते हैं, सारी बर्फ और बाकी सामान फ्रिज से हटाते हैं। जब सारा सामान साइड पे हो जाता है तो वो दोनों फ्रिज के अंदर देख के हैरान और परेशान हो जाते हैं। इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। इनको फ्रिज में एक पूरी दुनिया नजर आ रही थी। हर चीज फास्ट फॉरवर्ड में चल रही थी, टाइम की स्पीड बहुत ज्यादा थी। रॉब और गेल बहुत हैरान होते हैं और सोचते हैं यहाँ सच में लोग रहते हैं। फिर ये दोनों बॉडी को अपने घर के पौधे में दफना देते हैं और 2 मिनट साइलेंट होकर उसके लिए प्रे भी करते हैं। गेल हंसकर कहती है चलो इसकी बॉडी फर्टिलाइजर के लिए तो काम आई। अब ये दोनों दोबारा फ्रिज चेक करने आते हैं तो और हैरान हो जाते हैं। फ्रिज की दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई होती है। पहले छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे और कुछ ही टाइम में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई थी और कुछ ही देर में एक पूरी सिटी बनकर रेडी हो गई थी। फ्रिज के अंदर बैठे 2 आदमी बड़े गौर से रॉब और गेल को देख रहे थे और कहते हैं कि इन दोनों के पास और कुछ करने को नहीं, ये बस हमें ही देखे जाते हैं। वो दोनों ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनका टाइम बहुत स्पीड से गुजर रहा था। देखते ही देखते जब सारी सिटी बनकर तैयार हो जाती है अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। एक मिसाइल आकर सिटी पर गिर जाता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से रॉब का फेस भी थोड़ा जल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। गेल रॉब की हेल्प करती है, उसे उठाकर सहारा देती है। फिर रॉब मिरर में अपना फेस देखता है, उसका फेस हीट की वजह से जल गया था। जब ये दोबारा फ्रिज में देखते हैं तो न्यूक्लियर वॉर चल रही होती है। गेल फ्रिज का डोर क्लोज कर देती है और कहती है ये लड़ाई अब इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। और अब ये दोनों पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं और खाने के बाद रॉब कहता है 1 घंटे से ऊपर हो गया है, लगता है अब फ्रिज में सब ठीक हो गया होगा। जब वो फ्रिज दोबारा खोलते हैं तो फिर हैरान हो जाते हैं। फ्रिज के अंदर की सारी दुनिया बदल गई थी। फ्यूचर का टाइम चल रहा था। फ्लाइंग कार्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही थी। इन सब बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग थोड़ी अजीब थी। रॉब और गेल इस बिल्डिंग के बारे में बात कर ही रहे थे कि ये बिल्डिंग तबाह हो जाती है और अपने साथ सब कुछ तबाह कर देती है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है और कुछ नहीं बचता। फ्रिज के अंदर की सारी दुनिया खत्म हो जाती है, सब सुनसान हो गया था। रॉब गेल से कहता है क्या ये वापस आएंगे? गेल कहती है मुझे नहीं लगता, और ये कहकर गेल फ्रिज की वायर उतार देती है और अब ये दोनों सोने चले जाते हैं। जब ये दोनों सुबह उठते हैं तो इन दोनों को सस्पेंस होता है कि अब फ्रिज में क्या चल रहा होगा। ये दोनों फ्रिज को खोलते हैं और सामने देखते हैं कि इंसानों और बंदर जैसे लोग नजर आ रहे होते हैं। ये दुनिया का बिल्कुल स्टार्ट होता है जब इंसानों का वजूद स्टार्ट हुआ था। ये सब लोग एक डायनासोर का मांस खा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा डायनासोर आता है और कुछ इंसानों को खा जाता है और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमने नेचर को क्या दिया है और नेचर ने रिटर्न में हमें क्या दिया है। मूवी द ड्राउन जॉइंट के स्टार्ट में हमें रेडियो की आवाज से पता चलता है कि कल न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसकी वजह से काफी तबाही हुई है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। फिर हमें 2 साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जिनका नाम स्टीवन और माइक होता है। वो अपनी कार पे लेक साइड पे विजिट के लिए आए थे। उनके साथ उनकी एक फ्रेंड भी होती है क्योंकि उन्हें एक खबर मिली थी कि लेक पे कुछ अजीब चीजें देखी गई हैं। जब वो लेक पर पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़े जायंट की बॉडी देखते हैं। वो लेक के साइड पर पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। इसकी बॉडी सबसे पहले एक फिशरमैन
ने देखी थी और पुलिस को इन्फॉर्म किया था, मगर पुलिस ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया और कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी तो दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। स्टीवन और माइक भी इसी जायंट को विजिट करने आए थे। जब ये दोनों लेक साइड पर पहुँचते हैं तो बहुत ज्यादा रश था, बहुत लोग इसे देखने आए थे, मगर कोई भी डरकर इसके पास नहीं जा रहा था। माइक, स्टीवन और इनकी एक फ्रेंड इस जायंट के पास जाते हैं और इसको एग्जामिन करने लगते हैं। स्टीवन कहता है जायंट की एज का पता नहीं लगाया जा सकता, मगर ये जायंट एक यंग जायंट है। अब माइक और स्टीवन इसको देखने लगते हैं। इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है कि इसके हाथ में जो पानी था वो मछलियों का तालाब बन चुका था और मछलियाँ इसके हाथ में तैर रही थी। स्टीवन सोचता है कि ये सब लोग जो यहाँ पर हैं, ये सब जायंट की छोटी कॉपीज हैं। इसी वक्त साइंटिस्ट की फ्रेंड जो इनके साथ आई थी जायंट पे चढ़ जाती है और लोगों को कहती है इससे डरो मत, ये सिर्फ एक डेड बॉडी है, ये कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर सब इस जायंट के पास आने लगते हैं। सब जायंट को टच करते हैं और इसके साथ पिक्चर्स लेते हैं। स्टीवन जायंट को गौर से देख रहा था मगर इसको टच नहीं कर रहा था। स्टीवन जायंट को देखकर कुछ सोच रहा था। माइक जायंट पर नोट्स लिख रहा था। जैसे ही दिन गुजरता जा रहा था लोगों की भीड़ कम हो रही थी, लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे। माइक और स्टीवन भी इसको ऑब्जर्व करने के बाद वापस चले जाते हैं। स्टीवन 3 दिन बाद वापस आता है। वो जायंट की बॉडी के साथ एक कनेक्शन फील करता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है बच्चे जायंट की बॉडी पर चढ़कर खेल रहे हैं और कुछ बच्चे जायंट की बॉडी को स्लाइड की तरह यूज कर रहे हैं और पास कुछ लोग इसको कट करने का सोच रहे हैं। स्टीवन जायंट के कान पर एक लड़की नोटिस करता है जो इसके कान को चेयर की तरह यूज कर रही थी और बुक पढ़ रही थी। स्टीवन जायंट की बॉडी पर चढ़ता है और नोटिस करता है जायंट की बॉडी डीके हो रही है। वो देखता है इसका हाथ इंसेक्ट्स और परिंदे खा रहे हैं। स्टीवन जायंट की आईज में देखता है उसकी आईज में एक लेयर होती है जो बिल्कुल एक तालाब की तरह लग रही थी। स्टीवन इसकी आईज में पेन देखता है और सोचता है ये कितना अकेला है। फिर स्टीवन वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद स्टीवन जब दोबारा आता है तो देखता है जायंट के दोनों हाथ और पांव बिल्कुल डीके हो चुके थे और परिंदे और इंसेक्ट्स तेजी से इसकी बॉडी को खा रहे थे। फिर स्टीवन नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा आता है तो देखता है इस जायंट का सर भी गायब हो गया है। इंसानों ने इसकी बॉडी का ये हाल कर दिया है। सर के बगैर जायंट बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं लगता। स्टीवन का जो इसकी बॉडी के साथ कनेक्शन बन गया था अब वो कम हो रहा था। अब स्टीवन काफी टाइम जायंट को देखने नहीं जाता, लेकिन जब जाता है तो देखता है अब वहाँ सिर्फ उसकी हड्डियाँ रह गई हैं। लोगों का इंटरेस्ट भी अब जायंट में खत्म हो गया था। स्टीवन जब वापस जाने लगता है तो देखता है लोगों ने जायंट की हड्डियाँ अपने घरों और शॉप्स के बाहर शोपीस की तरह लगाई हैं और एक जगह वो जायंट का सर भी पड़ा देखता है। इसके कुछ बॉडी पार्ट्स म्यूजियम में भी रखे गए थे। स्टीवन अपने ड्रीम में जायंट को देखता है जो अपने बॉडी पार्ट्स इकट्ठे कर रहा होता है ताकि समंदर में वापस जा सके। इस स्टोरी से पता चलता है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो अपनी प्रेजेंस और एबिलिटी से लोगों को इम्प्रेस करता है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे जायंट का सुनकर लोग इसे देखने आए थे, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे भूल जाते हैं जैसे जायंट को भूल गए थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।